I'm Jyoti and welcome to my channel Jyoti Education Center. Last videos में हम perfect voice की बात कर रहे थे, जिसमें से हमने present perfect voice और past perfect voice पढ़ लिया था. आज हम बात करेंगे future perfect voice की. And इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी congratulations to the students, because आप last passive voice पढ़ रहे हैं, 7 passive voice आपने already पढ़ चुके. तो आप जल्दी से ये चीज solve करते हैं future perfect के बारे में, जल्दी से अब आप कर लोगे क्योंकि अब आप बहुत कुछ learn कर चुके हो. ठीक है, then without wasting any time, let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की. अच्छा, future perfect की tenses में क्या पहचान होती थी? चुका होगा, चुकी होगी, इस टाइप से इसकी पहचान होती थी. तो voice में क्या हो जाएगा? जाने की voice लग जाएगी, मतलब जा चुका होगा, जा चुकी होगी, जा चुके होंगे, इस टाइप से यूज करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं affirmative sentences की. जब हमने टेंसेस में फ्यूचर परफेक्ट के बारे में पढ़ा था, तो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होते थे और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती थी विल हैव. थोड़ी सी लंबी है सबसे, विल हैव. थर्ड फॉर्म इसमें यूज होती थी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लग जाता था. अब पैसिव वॉइस में इसको इंटरचेंज हो जाता है सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का, यानी कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, लेकिन अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसकी विल हैव तो होगी और साथ में इसके साथ क्या लग जाएगा? बी. यानी कि आपने नोटिस किया होगा जितने भी परफेक्ट में हमने पैसिव वॉइस पढ़े हैं, चाहे प्रेजेंट पास्ट हो, सब में हेल्पिंग वर्ब के आगे वी लग जाता है जो टेंसेस में होती थी. तो उसमें लग जाएगा विल हैव बी प्लस थर्ड फॉर्म और बाय का यूज करते हुए सब्जेक्ट. आइए जल्दी से सेंटेंस देखते हैं. शी विल हैव रिटन अ लेटर. अब इसकी पहले हिंदी बनाते हैं. वह एक पत्र लिख चुकी होगी. अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं पहले हिंदी में. एक पत्र लिखा जा चुका होगा, लिखा जा चुका होगा, जा चुका होगा. मैं आपको इसलिए इसकी हिंदी बता रही हूँ कि कैसे वॉइस में जब हम हिंदी में बोलते हैं तो जाने की इसमें वॉइस आती है, साउंड आती है बाय हर उसके द्वारा. ठीक है, तो एक लेटर उसके द्वारा लिखा जा चुका होगा. तो अब जल्दी से इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करते हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं बिना देखे, अ लेटर. इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, अ लेटर विल हैव बीन, और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी लिखी हुई है, रिटन. ठीक है, अब इसके बाद बाय का यूज करते हैं सब्जेक्ट. तो बाय शी, नहीं शी का क्या बनाएंगे हम पहले ऑब्जेक्टिव केस, बाय हर. अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर. They will have read this book before you come. अब इसमें फिर से before वाला आ गया, तो no problem, आप before से पहले का बस solve कीजिए. before वाला तो as it is रहेगा, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है. as it is हमें रख देना है, घबराइए मत लंबा sentences देखकर. ठीक है, तो सबसे पहले सब यहाँ तक देखिए. They will have read this book. यह किताब, वे यह किताब पढ़ चुके होंगे. अब they वाला आ रहा है. ठीक है, अच्छा यह किताब उनके द्वारा पढ़ी जा चुकी होगी. ये इसका हिंदी में पैसिव वॉइस हो गया. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? दिस बुक ऑब्जेक्ट विल हैव बीन रेड का रेड बाय. अच्छा अब दे का क्या होता है? देम. ठीक है, मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगी अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि शी का हर दे का देम, तो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव केस बनाना सिखाया है, आप जरूर देखिए. और बिफोर यू कम एज इट इज. अब हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं. बस इसकी जगह आप यहीं पर नेगेटिव लिख दो. अरे ये नेगेटिव हो जाएगा इसमें, बस नॉट ही तो लगता है, नेगेटिव में कोई बड़ी बात नहीं होती. तो यहाँ पर कहाँ लगता था ना? विल नॉट है. तो इधर भी कहाँ लगेगा? विल नॉट है, बस आगे बी नॉट लग जाएगा. कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत होना कि विल है नॉट. इसमें तो तीन पार्ट में हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब क्या करेंगे? कुछ मत करना, फर्स्ट पार्ट के बाद ही नॉट लगा देना है. उसके बाद चाहे कितने भी पार्ट हो, तीन चार कितने भी पार्ट हो, सेम रहता है. ठीक है, बस एक नॉट को फिक्स करने की बात है. चलिए कर देते हैं. शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय हर. दे विल नॉट हैव रेड दिस बुक बिफोर यू कम. दिस बुक विल नॉट हैव बीन रेड बाय देम बिफोर यू कम. This book will not have been read by them before you come. ये बात हो गई negative की. Now interrogative sentences. Interrogative का सबसे पहले देखते हैं future perfect tense में हम क्या पढ़ चुके हैं. Will. ठीक है, इसकी will है जो होती थी वो helping verb होती थी.
तो विल लगता था क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं हमेशा सिंगल इंटरोगेटिव जो कि हम बात कर रहे हैं विल सब्जेक्ट इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद थर्ड फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसको रिवर्स कर दीजिए मतलब ऑब्जेक्ट पहले लाइए लेकिन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है विल इसके बाद ऑब्जेक्ट इसके बाद इसकी और हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट और बचे हैव बीन वो एक साथ लग जाएगा हैव बीन लेकिन सबसे पहले पार्ट के बाद हमेशा जैसे सब्जेक्ट लगता था यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगेगा विल ऑब्जेक्ट हैव बीन थर्ड फॉर्म बाय का यूज करते हुए सब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं विल शी हैव रेड द नॉवल बिफोर शी गोज टू मार्केट क्या मार्केट जाने से पहले वह नॉवल पढ़ चुकी होगी। अब इसको पैसिव वॉइस में बोलिए हिंदी में देखिए बिफोर शी गोज टू मार्केट एज इट इज रहेगा केवल इसका पैसिव वॉइस हमें देखना है तो क्या नॉवल उसके द्वारा पढ़ी जा चुकी होगी जा चुकी होगी जाना साउंड आ गया वॉइस में होते ही बिफोर शी गोज टू मार्केट उसके मार्केट जाने से पहले ठीक है तो बनाते हैं अच्छा विल का विल रहेगा विल का बिल रहेगा मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा इसके बाद उसमें सब्जेक्ट आता था टेंसेस में तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा ऑब्जेक्ट तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ तक आप हटा दीजिए केवल पहले इतना देखिए द नॉवल तो आपको बड़ा सा ये नहीं दिखेगा द नॉवल ठीक है अब इसके बाद बीन ठीक है अब इसके बाद थर्ड फॉर्म विल द नॉवल बीन अच्छा एक बात बताइए इसमें आपको कुछ अधूरा सा लग रहा है चलिए देखते हैं विल द नॉवल बीन रेड बाय बिफोर शी गोज टू मार्केट बिल्कुल करेक्ट है एक चीज तो मिस है बताइए हैव का है विल हैव बीन पूरी हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें हैव तो है ही नहीं तो विल द नॉवल हैव बीन देखिए विल हैव तो इसकी मेन वर्ब भी होती है उसके बाद बीन लगता है वही हमने गायब कर दिया विल द नॉवल हैव बीन रेड बाय हर बिफोर शी गोज टू मार्केट लगा किसी को इनकम्प्लीट चलिए अब इसको नेगेटिव से भी देख लेते हैं विल शी नॉट हैव बीन हमेशा सब्जेक्ट के बाद इंटरोगेटिव में अगर हमें नॉट का यूज करना है तो कहां लगता है सब्जेक्ट के बाद लेकिन अगर पैसिव वॉइस में हमें इंटरोगेटिव में नेगेटिव का यूज करना है तो कहां लगता है नॉट ऑब्जेक्ट के बाद वही बात हो गई तो विल द नॉवल Have been read by her. अब इसमें हमें not लगाना है तो will the novel not have been read by her before she goes to market. अब बात करते हैं double interrogative की तो double interrogative में क्या बदल जाएगा सब सेम रहता है बस ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड के बाद आप बिल्कुल मैच कर लीजिए बिल्कुल ये सिंगल इंटरोगेटिव को फॉलो करते हैं क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है कहां वेयर Why, how, इस तरह से पूछा जाता है तो how will he have written the novel before he goes to Shimla? उसने नॉवल कैसे लिखी शिमला जाने से पहले ठीक है कैसे लिख चुकी होगी मतलब वो तो शिमला जा रही तो कैसे लिख चुकी होगी नॉवल तो उसके द्वारा नॉवल कैसे लिखी जा चुकी होगी बिफोर शिमला जाने से पहले तो चलिए देखते हैं how will इसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब इसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है द नॉवल मैंने आपसे फिर कहा ये पार्ट हाइड कर लीजिए सिर्फ इसका करिए तो आपको इजी लगेगा क्योंकि बिफोर से तो एज इट इज आना ही है हाउ विल द नॉवल हैव बीन बचा हुआ पार्ट हेल्पिंग वर्ब का हैव बीन है मत भूल जाना यहाँ की तरह अब आप कहोगे हम कहा भूले थे मैं वहां भी भूली थी हाँ मैं भूली थी मैं देखना चाह रही थी कितने लोग पहचानते हैव बीन रिटन बाय हिम अब यहाँ ही का क्या हो जाएगा हिम Before he goes to Shimla. अब इसमें not लगा के दिखाओ कुछ नहीं हम तो लगा देंगे subject के बाद not लगता था तो उसमें object के बाद लग जाएगा कुछ नहीं देखना बस object के बाद not लगा दो इसके बाद पढ़ के दिखाओ पूरा sentence. How will the novel not have been written by him before he goes to Shimla? वैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी future perfect बहुत ही rarely use होते हैं voice में हम इसको simple tenses में ही use करते हैं past perfect और future perfect बहुत rarely use होते हैं ठीक है लेकिन फिर भी रूल है तो पढ़ना पड़ेगा सब कुछ हमें पता होना चाहिए रियली भी यूज होते हैं सपोज 0.1% भी यूज होते हैं 1% भी तो वो 1% भी हम नहीं छोड़ सकते हमें आसफ आना चाहिए तो इधर आपके फिनिश होते हैं फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस
मैंने एक सेंटेंस लिखा है जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, इसको आपको पैसिव वॉइस पे कन्वर्ट करना है। पूरे स्ट्रक्चर, जितने भी स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में भी सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले आप केवल ये नोट कीजिए, मेरी वीडियो को पॉज कीजिए और ये फोर टाइप के स्ट्रक्चर पहले खुद ही बनाइए, और उसके बाद चेक कीजिए आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, और दोबारा मेरी वीडियो में जाकर उसको देखिए। और अगर आपने कोई भी मिस्टेक नहीं की, इसका मतलब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे से लर्न कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, डोंट ट्राई टू चीट, ओनली नोट दिस सेंटेंस, ठीक है? और अपने आप बनाइए। मैं इधर स्टार्ट कर रही हूँ, लेट्स स्टार्ट। आई होप आपने खुद स्ट्रक्चर बनाए होंगे, अब आप चेक कर रहे होंगे, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। मैंने यहाँ पर लिखा है अगस्त तक मैं ये बुक पढ़ चुकी हूँगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव की, अगर अगस्त तक यह बुक मेरे द्वारा पढ़ी जा चुकी होगी, ठीक है, तो बाय अगस्त तो सेम रहेगा दिस बुक ऑब्जेक्ट। फिर बिल है बी, सबकी हेल्पिंग वर्ब ठीक है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, रेड बॉय और आई का क्या हो जाएगा? मी। अब नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ लगेगा? बाय अगस्त दिस बुक, बस बिल के बाद नेगेटिव आ जाएगा, बचा हुआ रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है एज़ इट इज़। बाय अगस्त दिस बुक विल नॉट हैव बीन रेड बाय मी। अब सिंगल इंटरोगेटिव पर आते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन। तो पहले विल को लेंगे ऑब्जेक्ट और इसके बाद बचा हुआ पार्ट, ठीक है? विल इधर आ जाएगा, बाय अगस्त एज़ इट इज़ बिल, इसके बाद हेल्प, उसके बाद क्या है? दिस बुक, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और है बीन रेड बाय मी। अगर हम इसमें नेगेटिव भी लगा दें, बन पाएगा? क्यों नहीं बन पाएगा? जैसे सब्जेक्ट के बाद टेंसेस में नॉट लगता था, ऐसे इसमें कहाँ लगता है नॉट? ऑब्जेक्ट के बाद, बात वही होगी, दिस बुक नॉट हैव बीन रेड बाय अगस्त, विल दिस बुक नॉट हैव बीन रेड बाय मी। When will this book have been read by me? इसके, I hope अब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है अब तक किसी भी वीडियो में, तो please write a comment in my comment box, and you can also send a mail to my mail ID. My mail ID is given in the description box, and please please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button so that you can never miss any update or video. तो we'll meet you in next session with a new video. Till then, bye bye, take care.